बार बार घूम घूम के देख रही है वो। एक्चुअली बंगाली नहीं है ये, अपोमिया है। जो लोग नए हैं, हम लोग कामाख्या से कन्याकुमारी तक राइड कर रहे हैं। आज हम कोलकाता से निकल रहे हैं और जा रहा हूँ उड़ीसा की तरफ। तो आज कुछ नया होने वाला है, कुछ खास होने वाला है। तो लेट्स रोल द वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। और बहुत दिन से मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया। हेलो एवरीबॉडी, आई एम विडियो मोसा कैन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फोन बज गया, जनता फोन कर हिंदी। सो आज बाद में रिसीव करेंगे, तो आज हम हिंदी में ब्लॉगिंग करेंगे। आइडिया कैसा है? बाइक पैकिंग कर लिया, अभी इसको वार्म अप होने को दिया है। जगह का नाम क्या था? हाँ, जगह का नाम पिकनिक गार्डन। ओके, बालीगंज नहीं है ना? नियर बालीगंज। एकदम बालीगंज में नहीं है, मतलब बालीगंज यहाँ से 5 मिनट लगती है। 5 मिनट लगे, ओके। तो एक्चुअली ये जगह भूल गया था, मुझे तो हिंदी में बोलना था ना। तो इस जगह का नाम बालीगंज नहीं है, पिकनिक आइलैंड है। कल हमने गलती से बालीगंज बोल दिया। बालीगंज भी दूर नहीं है, 5 मिनट का रास्ता है। सो अभी हम निकलते हैं, विकास का बाइक ठीक करवाना है, और बाइक ठीक करवा के हम लोग निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे पता नहीं, आज का कोई प्लान नहीं, जितना दूर हो सके चलते रहेंगे। तो बात ऐसा है कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि हसामीज ब्लॉग पार्ट 2। एक्चुअली मैंने पहले भी बनाया था एक ब्लॉग हिंदी में, तो वो तो पूरा देखने लायक था, मेरा टूटा फूटा हिंदी। तो आज फिर से ट्राई कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से तो कोई ना कोई नया चीज़ ट्राई करता रहना चाहिए। और आज आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों को दोनों ब्लॉग देखना है, मेरा पहला वाला हिंदी ब्लॉग और ये वाला भी देखना है, वो आई कार्ड ऊपर निकला होगा। और मेरे को कॉमेंट में बोलना है कि मेरा हिंदी थोड़ा भी इम्प्रूव हुआ कि नहीं पहले से। और एक बात मुझे पता है, मेरा 99% सब्सक्राइबर्स लोगों को हिंदी समझ में आता है, क्योंकि हर आसामीज लोग हिंदी गाना सुनता है, हिंदी वीडियो देखता है, हिंदी मूवी देखता है, और हमारा नेशनल लैंग्वेज भी हिंदी है। और एक बात पहले से ही बोल देता हूँ कि मैं रोज़ हिंदी में वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये मेरा एक ट्राई है। आप लोग बोलिएगा कि कैसा लगा, और देखते रहिए। आज हम बहुत दूर जाने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है, तो देखते रहिए। तो हम पहुंच गए KTM सर्विस, और यहाँ विकास का बाइक ठीक करवाना है, लेकिन जो सेंस पॉकेट है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बोला है। वो लोग खबर कर रहा है कि मिलेगा कि नहीं, अगर मिलने से ठीक हो जाएगा, नहीं तो कहीं और जाना पड़ेगा। दा बालासोर बोल रहे हैं, बालेश्वर। थैंक यू। तो विकास का आज के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मतलब पार्ट्स नहीं मिला, लेकिन सेन लूप कर दिया उन लोगों ने, और साउंड थोड़ा कम हो गया है, पूरा नहीं गया लेकिन थोड़ा कम हुआ है। तो अभी हम लोग जाएंगे बालेश्वर, बालासोर या बालेश्वर जो भी बोलता है वहाँ जाएंगे। यहाँ से 253 किलोमीटर है, और वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि आगे जाऊँगा और वहीं पर ठहरूँगा आज। और हम उठ गया माँ फ्लाईओवर के ऊपर। ये बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, एक्चुअली इसका नाम माँ नहीं, महा फ्लाईओवर होना चाहिए था, बहुत लंबा है। और अभी मैं मैप देख के आगे आगे आ रहा हूँ, और मेरे पीछे पीछे विकास आ रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल का चार्ज जल्दी ख़त्म होने वाला है। जब तक चार्ज रहेगा तब तक मैं लीड कर पाऊँगा, उसके बाद लोगों को पूछ पूछ के जा सकते हैं। अभी पावर बैंक है, लेकिन निकाल के ये लगाने को मन नहीं कर रहा है। और एक बार हम हाईवे पहुँच जाऊँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चल सकेंगे। एक्चुअली महा नहीं, माँ ही ठीक है, क्योंकि माँ से बड़ा तो और कोई नहीं हो सकता है ना, तो माँ ही बेस्ट है। ये फ्लाईओवर के नाम महा से भी बड़ा है। और ये कर क्या रही है, नाच रही है या क्या करे? मेरे सामने आया, कैमरा की तरफ देखा, देखने के बाद नाचने शुरू कर दिया। पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन हो गया, मेरे को कंटेंट मिल रहा है। लेकिन वो पहले से ही ऐसे नहीं कर रहा है, पहले मेरे को देखा, देख के कैमरा देखा, उसके बाद ये सब शुरू किया है। शायद गाना सुन के जा रहा है, और थोड़ा वो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, साल दिखा रहा है, पता नहीं। दिख रही है,
बार बार घूम घूम के देख रही है वो, वो देख रही है मेरे को घूम घूम के। मैं हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ना आज, भूल गया क्या तुम? नियत अच्छा नहीं देखा मैंने उसका। और ये आमी पालू ही द्वितीय हुगली ब्रिज, हुगली रिवर ऊपर हुगली ब्रिज, द्वितीय हुगली ब्रिज बुली कह एन और सब कि डांगर विशाल ब्रिज। और ये साइड जहाज आसे नदी ऊपर जहाज बिल खाली कैमेरा आई से ना मैं नजानो, बड़ बेलेग बड़ा मारे एकदम। ओ मैं तो हिंदी में बोलने वाला था, असमीज में बोल लिया। और ये देखिए द्वितीय हुगली ब्रिज, हाँ सीधा इसे यहाँ, ठीक है थैंक यू। ओके तो ट्रैफिक वाले भैया ने बोला कि सीधा जाओ, अभी सीधा आ रहे हैं हम। मैप ने तो दिखा रहा है कुछ और ही दिखा रहा है मैप। ओहो मैप देखने के चक्कर में मैं भूल गया कि मेरे को फ्यूल अप भी करवाना था। ओह मिल गया, नाम लिया और पेट्रोल पंप हाजिर, वाह क्या बात है। जालेश्वर पालोहि विकास अलग पास थी समय हल 252। आज विकास रूप तो मैं ललो आगत गुस खाने बोले रखा ना, नर्मेलि मैं खाने रंग रंग और विकास आगते गुस कि आज उल्टा हो गल। सो और तार मेन कारण तो मैं आज ओआरएस दिया पानी खा खा आसो मैं जो पेक पेक तो ये दु लिटार पानी शेष कर दिल आज। सो सेकार भूक लगा ना कि तीनटा बजे हल इतना नाखाले बेहद कथा हम गेस हम। सो इतना पटापत क्या खा लो खा लो मैं सी आक सी आव लगे ते रही दी। ओहो मैं तो भूल ही गया आज मैं हिंदी में ब्लॉगिंग कर रहा था। ठीक है आप लोग समझ ही गया, आप लोग सब तो आसामीज ही है मेरा सब्सक्राइबर लोग, अच्छा ही हुआ। लेकिन एक्चुअली मैं अभी कम से कम 100 किलोमीटर जैसा कंटिन्यूस बाइक चला के आया और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया, इसीलिए मैं भूल ही गया मैं क्या कर रहा था। शायद 10-15 मिनट रुका और उसके बाद आ गया मेरा बच्चा विकास और वो मेरे लिए रुका ही नहीं, सीधा चल लिया। अभी खाना खाने को है, 3 बज गया है अभी, ये कहाँ रुकेगा? इसका यही आदत ख़राब है, ये जाता रहता है तो जाता ही रहता है, मतलब चलता रहता है तो चलता ही रहता है, यही इसका ख़राब आदत है। आज मैं इसको सोर के आ गया था फास्ट, लेकिन लास्ट में ये फिर अपना वो दिखा दिया। अभी यहीं पे कहीं खाना पड़ेगा, ये रुकेगा कि नहीं रुकेगा पता नहीं। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक होटल, नाम है माँ कलिजाई फैमिली फूड ढाबा। आरु आमी पालोही बस्ता उड़ीसार बस्ता जालेश्वर पर 30 किलोमीटर आगबढ़ी आहिलो आरु एतिया इयाते खाना तो खाइ लो खाइ लो आको आगबढ़िम जालेश्वर पार हो जाम बालेश्वर, बालेश्वर थकीम ने तक आगे जाम डिसाइड करा ना इतने आप गम पा। भात आ गल मोर भेज थाली और विकास अर्डर दी मटन थाली और देखिसे ना उखुआ चाउल भात डांगर डांगर चाउल। मैं बार उखुआ चाउल खा बेहद नपा, विकास बोले उखुआ चाउल खा ना। दादा मैं कि बुझी पासी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है सर? हाँ हाँ बंगाली समझ में आता, बोलने के लिए नहीं आता। बोलने के लिए नहीं आता है ना? हम इधर बालासोर जाओ बुझ पाते हैं। हाँ बालासोर, हाँ बालासोर जाएंगे। एक्चुअली बंगाली नहीं है, असम, असम से। हाँ असम मालूम। उड़िया और असमी थोड़ा थोड़ा मिलता है, 80% मिलता ही है। हाँ हाँ वही मतलब मैं ट्राई करके देखा, मेरे वीडियो में मतलब उड़ियान लोग कमेंट करता है दादा आपका आता समझता हो ऐसे बोल के, तो इसीलिए मैं ट्राई करके देखा कि आपको समझ में आता है कि नहीं। तो ये तो मैं माने हिंदी में बोलना है तो उड़िया और असमीज थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, इसीलिए अगर आप उड़ियान लोग बात करते हुए सुनेंगे तो समझ में आएगा, और वो लोग भी अगर असमीज में बोलूँगा तो समझ में समझ सकता है। खाना पीना हो गया और अभी हम फिर से निकल दिए हमारे डेस्टिनेशन की, और आज बालेश्वर जाएंगे। बालेश्वर में सांदीपुर बोल के एक जगह है, वहाँ पे होटल लिया है, ऑलरेडी बुक कर लिया है, और वो है बीच के पास ही,
तो मतलब हम अभी सागर के किनारे किनारे ही आ रहा है, यहाँ से शायद 10-12 किलोमीटर दूर में ही सागर होगा शायद, पता नहीं किस तरफ है, इस तरफ है या इस तरफ है मेरे को पता नहीं, क्योंकि शान इस तरफ है तो इस तरफ अभी वो होगा साउथ होगा। और पूरा बारिश होने वाला है अभी, सामने पूरा काले घने बादल साया हुआ है। बारिश शुरू। पस्कॉन हाय कर दिया, हाय हाय, लाइक करबो, कमेंट करबो, कर दिया हो जी साया ही वो बिजुन से कहते हो लगी वो बालेश्वर सांदीपुर नामर ठाइत आही एटा होटल लोलु ओ तो बालेश्वर पहुंच गया और यार सांदीपुर में एक होटल का रूम ले लिया है और बाकी का जो कैमरा वगैरह घुसा दिया था बैग में कैमरा वगैरह घुसा दिया था बैग में, उसके बाद तो मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया उसके, इसलिए आप लोग को बालेश्वर का कोई सीनरी नहीं दिखा पाया। कल सुबह निकलेंगे जल्दी तब दिखाएंगे। और ये वाला ब्लॉग एक्चुअली ऐसे ही मजाक में बनाया था, हिंदी में बनाया, कैसा लगा आप लोग बताइए। मैं हिंदी में वीडियो बना के कुछ उखाड़ नहीं पाऊंगा, फिर भी ट्राई किया, और बाकी का वीडियो आसामीज में ही आएगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। टिल देन स्टे क्रिएटिव एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। बाय 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 बाय। कॉफी पी लिया, एक कप बड़ा कॉफी पी लिया, लेकिन कॉफी अच्छा है। और आज का होटल का रूम ये देख लीजिए, छोटा सा रूम है लेकिन 1200 रुपया लिया है और 20 के पास है। हाँ ये मैंने बताया ही नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में हो सके तो ड्रोन शॉट आएगा 20।